पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाल ही में माना था कि पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ समझौता तोड़ा। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर पाकिस्तानी सरकार ने एक नया बयान जारी किया है। दरअसल पीओके के कवि और पत्रकार अहमद फरहत शाह के 2 सप्ताह से गायब होने को लेकर सुनवाई के दौरान पाकिस्तान सरकार ने कहा कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है, यह एक विदेशी क्षेत्र है। नवाज शरीफ सरकार के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। हालांकि सरकारी वकील के इस दावे पर हाईकोर्ट भी हैरान है। कोर्ट ने पूछा कि जब पीओके एक विदेशी क्षेत्र है तो पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे प्रवेश कर गए। सरकारी वकील के इस बयान पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकारी वकील का यह दावा पीओके की स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर आजाद कश्मीर हमारा नहीं तो फिर वहां पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती कैसे हुई। जी वो कश्मीर में ही है, लेकिन आज एजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये आई थिंक एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। ये अच्छी बात नहीं थी, मुनासिब बात नहीं थी।